सीएम केजरीवाल ने ट्रैफिक सिग्नल पर की गाड़ी बंद करने की अपील। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 1 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं। अगर 10 लाख वाहन भी रेड लाइट पर अपनी गाड़ी बंद करना शुरू कर दें तो विशेषज्ञों ने मुझे गणना करके दी है कि साल में पीएम 10 प्रदूषण 1.5 टन यानी 1.5 टन कम से कम हो जाएगा और पीएम 2.5 प्रदूषण 0.4 टन कम हो जाएगा। आज से हम रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू कर रहे हैं। हम सब लोग आज एक संकल्प लेंगे कि रेड लाइट पर हम अपनी गाड़ी ऑफ करेंगे। वक्त दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और हर साल इस वक्त आस पड़ोस के राज्यों में पराली जलने की वजह से जो धुआं आता है दिल्ली में उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। हम देख रहे हैं कि आसपास के पड़ोसी राज्यों में पराली जलने का फिर से सिलसिला चालू हो गया है। मैं समझता हूं कि दिल्ली में तो पहुंचते पहुंचते फिर भी कम हो जाता होगा। जहां पे जिन गांवों में पराली जलाने के लिए किसान मजबूर होते हैं उन गांवों में पोल्यूशन का क्या हाल होता होगा, उन किसानों के उनके परिवारों का क्या हाल होता होगा पोल्यूशन का। साल दर साल यही कहानी चलती आ रही है। तो जो पराली जलने की वजह से धुआं दिल्ली आ रहा है उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली में अपने पोल्यूशन को इस वक्त कम करने के लिए जो जो कदम हम उठा सकते हैं वो सभी कदम उठाने चाहिए। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं पोल्यूशन कम करने के लिए। एंटी डस्ट कैंपेन चालू किया है। दिल्ली में जो पराली उगती है उसको जलाने की ज़रूरत ना पड़े उसके लिए हमने बायो डिकम्पोज़र पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा जो बनाया गया उसका इस्तेमाल शुरू किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अनाउंस की है, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी अनाउंस की है, कई सारे कदम हमने उठाए हैं। आज से एक नया कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, उसमें आपका सहयोग चाहिए। हम लोग देखते हैं कि रोज़ रेड लाइट के ऊपर जब हम अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, रेड लाइट है, रुकना होता है, गाड़ी खड़ी होती है, उस टाइम वो हम गाड़ी ऑफ नहीं करते, चलती रहती है, आइडलिंग कहते हैं इसको, आइडलिंग में चलती रहती है, उस टाइम कितना धुआं निकलता है गाड़ी से। और सोचो पूरी दिल्ली में 1 करोड़ व्हीकल्स हैं, रजिस्टर्ड व्हीकल्स, उसमें मान लो जितने भी 30-40 लाख व्हीकल्स भी अगर रोज सड़कों पे आते होंगे और वो हर रेड लाइट के ऊपर रुक के धुआं छोड़ते हैं, कितना पोल्यूशन उससे बनता है। आज से हम कैंपेन शुरू कर रहे हैं रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। हम सब लोग आज एक संकल्प लेंगे कि रेड लाइट अगर मिलेगी तो रेड लाइट के ऊपर हम अपनी गाड़ी ऑफ करेंगे, रेड लाइट के ऊपर हम अपनी गाड़ी ऑन नहीं रखेंगे। जैसा मैंने बताया 1 करोड़ व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। अगर 10 लाख व्हीकल्स भी सड़क के ऊपर रेड लाइट पे अपनी गाड़ी ऑफ करना शुरू कर दें तो एक्सपर्ट्स ने मुझे कैलकुलेशन करके दी है कि साल में PM10 पोल्यूशन का वो होता है ना PM10, वो 1.5 टन्स कम हो जाएगा और PM2.5 0.4 टन कम हो जाएगा। कितना पोल्यूशन कम हो जाएगा और आपको भी कितना फायदा होगा आप ये नहीं जानते। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब हम आइडलिंग में चलते हैं, रेड लाइट पे आइडलिंग करते हैं तो 1 मिनट में जितना ईंधन खर्च होता है वो अगर ड्राइविंग कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा खर्च होता है। दूसरा 10 सेकंड आइडलिंग में अगर आप ऑफ करके ऑन करो गाड़ी उससे ज़्यादा ईंधन 10 सेकंड की आइडलिंग में खर्च होता है। तो अगर आप ऑफ कर दो और फिर ऑन करो आपका फ्यूल भी काफ़ी बचेगा, धुआं तो बचेगा ही बचेगा, पोल्यूशन तो कम होगा ही होगा, आपका ईंधन भी काफ़ी बचेगा। और ऑन एन एवरेज एक गाड़ी रोज़ दफ्तर आने में जाने में मिला के 15 से 20 मिनट रेड लाइट पे बिताती है और उस 15 से 20 मिनट में एक गाड़ी लगभग 200 मिलीलीटर
तेल की खपत करती है, और अगर आप ये गाड़ी ऑफ करना शुरू कर दो तो 7,000 रुपये साल के आपके बच सकते हैं।